गाइस मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में भाई एकदम मजेदार एकदम तगड़ी वाली चीजें खरीद के लेके आ चुका हूँ। आज अनबॉक्स करेंगे तीन बहुत ही कमाल की चीजें जो कि फ्लाई कर सकती हैं। तो यार आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट्स में बोल रहे थे कि एक VR वाला ड्रोन खरीदने के लिए, तो फाइनली गाइस एक VR वाला ड्रोन भी मैंने खरीद लिया है और इसको मैंने काफी ज्यादा सस्ते में खरीदा है। बाकी देखते हैं क्या इसका VR सही से काम करेगा या फिर नहीं। आज इसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीजें भी लेके आ चुका हूँ अनबॉक्स करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। ये रही गाइस हमारी S111G हेलीकॉप्टर। ये एक नेवी वाली हेलीकॉप्टर है। आज तक मैंने जितने भी हेलीकॉप्टर्स अनबॉक्स किए हैं वो मिलिट्री वाले हेलीकॉप्टर्स थे गाइस। ये नेवी वाली हेलीकॉप्टर है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। साथ में देखो गाइस ये 3-in-1 है, यानी कि आप इसको पानी पे भी चला सकते हो, हवा में भी फ्लाई करा सकते हो और जमीन पे भी चला सकते हो। इतना खतरनाक वाला है ये ड्रोन। चलो गाइस अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो हेलीकॉप्टर है इसको अनबॉक्स करेंगे, फिर ड्रोन को अनबॉक्स करेंगे, फिर इसको भी टेस्ट करेंगे आज। हेलीकॉप्टर के अंदर जायरो सिस्टम भी लगा हुआ है। बॉक्स के पीछे देखो गाइस यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया गया है। बाकी फटाफट से इसको एक बार खोल के भी देख लेते हैं। और हाँ, ये जो हेलीकॉप्टर है छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो एज 14+ बोल के यहाँ पे दिया गया है क्लियरली। ये बॉक्स के अंदर से मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। ये खुल चुका है बॉक्स। यहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे इसका रिमोट कंट्रोलर है। तो पहले हेलीकॉप्टर को ही मैं निकाल लेता हूँ। ओ माई गॉड, व्हाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है हमारा नेवी हेलीकॉप्टर। अब ये इसका रिमोट है, इस रिमोट को भी मैंने निकाल लिया है। इसके साथ साथ देखो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये इसका यूज़र गाइड है, साथ में चार्जर भी दिया गया है और साथ में देखो गाइस एक एक्स्ट्रा प्रोपेलर भी मिलता है जो कि इसके टेल के ऊपर यहाँ पे लगेगा। ये हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, जैसे कि देख सकते हो गाइस यहाँ पे हम लोगों को चार प्रोपेलर्स देखने को मिलते हैं, साथ में टेल के ऊपर भी एक प्रोपेलर दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे भी एक प्रोपेलर दिया गया है पर ये कम्प्लीटली फेक प्रोपेलर है गाइज, ये वर्किंग वाला प्रोपेलर नहीं है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। नीचे की तरफ इस तरीके के टायर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हेलीकॉप्टर को हम लोग डायरेक्ट रिमोट के अंदर जो चार्जर मिलता है उससे ही चार्ज कर सकते हैं। देखो ये इस तरीके से नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्जर भी मिलता है, इससे भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर बॉक्स के अंदर भी एक चार्जर दिया गया था उससे भी हम लोग ये वाली हेलीकॉप्टर को चार्ज कर सकते हैं। ओके गाइस, अब ये VR ड्रोन को मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी ना तो VR ड्रोन को फ्लाई किया है ना तो VR ड्रोन को मैंने खरीदा है। देखते हैं गाइस ये सस्ता वाला VR ड्रोन कितने अच्छे तरीके से काम करेगा आज। बाकी यहाँ पे आप इसके मेन फीचर्स देख सकते हो, इसके अंदर तो वाईफाई का ऑप्शन भी दिया गया है, साथ में जायरोस्कोप भी है। जायरोस्कोप होने से ड्रोन जो है स्टेबल तरीके से फ्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। 6-axis जायरोस्कोप बोल के भी यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी इसको यहाँ से मैं एक बार खोल के भी आपको दिखा देता हूँ फटाफट तरीके से। ये ओपन हो चुका है बॉक्स, नीचे देख लेते हैं। ओ इधर है VR, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो दिखा देता हूँ। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, एकदम ब्लैक कलर वाला रिमोट दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे बटन्स है। ओ भाई देखो कितनी ढेर सारी चीजें मिली है इसके अंदर। इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स है, लैंडिंग गियर्स है, ओहो बहुत सारी चीजें हैं। एक्स्ट्रा बैटरी भी दी गई है, चार्जर भी है। ये इसका यूजर गाइड है। और गाइज ये रहा हमारा ड्रोन, दो प्रोपेलर्स रेड कलर के, दो प्रोपेलर्स व्हाइट कलर के। साथ में देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा डिजाइन है। इसके अंदर बहुत सारी LED लाइट्स भी लगाई गई है। यहाँ पे देख सकते हो इसके कंपोनेंट्स वगैरह क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे LED लाइट है, यहाँ पे हम लोग इसकी बैटरी भी लगा सकते हैं। ये इसका स्विच है। अब इसका VR भी एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा गाइस इसका VR सिस्टम। भाई साहब एकदम तगड़ी क्वालिटी का लग रहा है। VR के अंदर हम लोगों को एक फोन डालना पड़ता है। भाई ये किधर से खुलेगा? अच्छा यहाँ से खुल जाएगा। देखो इसके अंदर फोन लगा के इसको सर के ऊपर इस तरीके से लगा के सारे मजे हम लोग ले सकते हैं। और ड्रोन कहाँ पे चल रहा है और ड्रोन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें मैं ड्रोन को कंट्रोल कर पाऊंगा। अनबॉक्स करते हैं ये 3-in-1 ड्रोन। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर।
दिखने में आपको ये एक बोट की तरह ही दिखाई देगी, पर एक्चुअल में गाइस अभी भी आपको दिखा देता हूँ। ये ड्रोन को आप यहाँ से इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो, देख रहे हो गाइस ड्रोन मेरे हाथ में आ चुका है। बाकी इसको अगर हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे इस तरीके से, ये जो प्रोपेलर है अपनी बोट को जो है आगे मूव कराएंगे और ये पानी के ऊपर भी तैर सकेगी। साथ में देखो ये एकदम हल्का फुल्का मटेरियल होने के कारण अगर आप इसको जमीन पे भी रखोगे ना गाइस तो ये जमीन के ऊपर भी चल सकती है। बाकी आज इसको भी टेस्ट करेंगे क्या ये तीनों जगह चलेगी या फिर नहीं। मेरे पास ऑलरेडी इतने ढेर सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, तो आज नेवी वाली हेलीकॉप्टर भी आ चुकी है, तो आज नेवी वर्सेस आर्मी वाली हेलीकॉप्टर के बीच में स्टेबिलिटी टेस्ट भी करके देखेंगे कौन सबसे स्टेबल तरीके से फ्लाई करेगा। सबसे पहले ये वीआर वाले ड्रोन को टेस्ट करने वाला हूँ। ऑन करते ही देखो इसके अंदर इतनी ढेर सारी लाइट्स आने लगी है। गाइस ड्रोन को मैं टेक ऑफ कराने वाला हूँ, ये देखो भाई साहब काफी ज्यादा आसानी से हमारा ड्रोन टेक ऑफ कर चुका है। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये देखो ऊपर जा रहा है बहुत आराम से, ये ड्रोन फ्लाई कर रहा है भाई साहब। ये क्या हो गया गाइस इसके साथ, देखो जैसे ये नीचे गिरा है ना यहाँ से देखो इसका ब्लेड थोड़ा सा बेंड हो चुका है। ओ भाई इसकी क्वालिटी तो बहुत ही हल्की फुल्की है। तो ये वाला पार्ट जो है इसका कम्प्लीटली टूट चुका है भाई, ये जो पार्ट है यहाँ ऊपर की तरफ लगता है, तो ये होने से ही देखो प्रोपेलर घूमेगा वरना प्रोपेलर नहीं घूम सकता है। तो मैं ट्राई करूंगा ये ग्लू से इसको चिपकाने के लिए, बाकी देखते हैं गाइस ये चिपकेगा या फिर नहीं। ये प्रोपेलर को मैंने निकाल दिया है, इसके प्लेस में देखो ये एक एक्स्ट्रा वाइट कलर का प्रोपेलर था, इसको मैंने लगा दिया है। साथ में देखो यहाँ पे ग्लू से मैंने इसको चिपका भी दिया। अब देखो गाइस जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस होके घूम रहा है, तो प्रोपेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे ये प्रोपेलर गार्ड्स। देखो गाइस प्रोपेलर गार्ड्स लगाने के बाद इसका साइज जो है अब काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। अब इसको फ्लाई कराते हैं, ऑन हो चुका है ड्रोन, अब धीरे धीरे करके इसको ऊपर लेके जाते हैं। ओ माय गॉड देखो गाइस मेरे को तो लगा था कि ये बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करेगा प्रोपेलर टूटने के बाद, पर ये तो काफी अच्छे तरीके से फ्लाई कर यार। अब बारी है ड्रोन से वीआर को कनेक्ट करने की। इसके बॉक्स के ऊपर एक क्यूआर कोड दिया गया था, मैंने इसको स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड कर लिया है। अब वीआर के अंदर मैंने फोन को लगा दिया है, वीआर लगाते हैं सर के ऊपर। चलो गाइस देखते हैं क्या ये वीआर काम भी करेगा या फिर नहीं। ये देखो भाई साहब क्या ही मस्त तरीके से फ्लाई कर रहा है। अगर फुटेज की बात करूं तो फुटेज तो भाई ठीक ठाक ही मेरे को लग रहा है, बाकी इसके अंदर तो बिल्कुल भी एचडी में मेरे को नजर नहीं आ रहा है। अब ये जो फुटेज आप देख रहे हो हमारे ड्रोन ने रिकॉर्ड की है गाइस, मेरे को भी वीआर के अंदर कुछ ऐसे ही फुटेज देखने को मिल रही थी। बाकी ड्रोन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने के कारण देख सकते हो वीडियो बहुत ज्यादा शेकी शेकी सा यहाँ पे आ रहा है। बाकी इतने कम प्राइस में ड्रोन के अंदर वीआर देना ये काफी ज्यादा बड़ी चीज है यार, मेरे को तो ये ड्रोन ये प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा कमाल का लगा दोस्तों। ओके गाइस अब टेस्ट करते हैं नेवी आरसी हेलीकॉप्टर को, इससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ से यानी कि ये इसका रेस आप बोल सकते हो या फिर इसका एक्सलरेटर भी बोल सकते हो। देखो मैं इसको जितना ज्यादा दूंगा ये उतनी ज्यादा स्पीड से इसके प्रोपेलर्स को घुमाएगा। दिखने में तो ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल एक रियल हेलीकॉप्टर जैसी ही दिख रही है। आप देखो गाइस धीरे धीरे करके ये टेक ऑफ कर चुकी है। भाई साहब क्या ही लुक है यार ये हेलीकॉप्टर का। देखो ओवरऑल ये हेलीकॉप्टर फ्लाई कराने के मामले में बहुत ज्यादा ईजी है गाइस, आप देख सकते हो एक हाथ से मैं इसको यहाँ पे फ्लाई करा रहा हूँ। तो अभी इसको लैंड करा देते हैं नीचे, ये देखो काफी आसानी से ये नीचे भी उतर चुका है। अब ये 3-in-1 ड्रोन को मैं एक बार टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं गाइस क्या ये सच में फ्लाई करेगा या फिर नहीं। सबसे पहले इसको पानी के ऊपर मैं टेस्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे काफी बड़ा सा तालाब है, इसको मैंने ऑन कर दिया है। ओ माय गॉड गाइस मेरा तो दिमाग घूम चुका है, ये तो सच्ची में एक बोट जैसा ही काम कर रहा है पानी के ऊपर। देखो इसके पीछे जो प्रोपेलर लगे हैं ये इसको पावर दे रहे हैं पानी के ऊपर चलने में। बाकी अब इसको जमीन पे भी चला के देखते हैं, इसके लिए देखो ये ऊपर का पार्ट अलग करना पड़ता है। अब चलाते हैं, ओ माय गॉड गाइस ये जमीन पे भी बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है यार, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जमीन पे एक आरसी कार की तरह इतना फास्ट चलेगा और इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल भी होगा। देखते हैं क्या ये सच में फ्लाई भी करेगा या फिर नहीं। ये आ चुका है बाहर, इसको रखते हैं यहाँ पे, अब उड़ाते हैं गाइस इसको। ये देखो ऑन हो चुका है, प्रोपेलर्स घूम रहे हैं इसके। ओके ओ भाई ये देखो गाइस ये तो फ्लाई कर रहा है यार सच में एक ड्रोन की तरह ही।
ओह माय गॉड, ये इतना छोटा सा ड्रोन इतनी अच्छी तरीके से फ्लाई करेगा, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सच में यार ये जो ड्रोन है 3-in-1 है। देखते हैं अभी इसको ऊपर टकरा के बचता है या फिर नहीं। ये ड्रोन, ये इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ऊपर टकराते ही देखो गाइस ये आके यहाँ पे इस तरीके से फ्लिप मार के नीचे गिर चुका है। और एक बार देखते हैं गाइस ये चल भी रहा है या फिर नहीं। ओके, वापस से चालू भी हो चुका है। ये ड्रोन तो काफी ज्यादा गजब की चीज है यार। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, देखो ये नेवी वाला हेलीकॉप्टर है, ये एक आर्मी वाला हेलीकॉप्टर है। दोनों को अब इकट्ठा फ्लाई कराते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन सबसे स्टेबल फ्लाई करता है। यहाँ पे एक चीज है, दोनों के अंदर सेम वाला रिमोट दिया गया है, इस वजह से देखो गाइस एक रिमोट से ही दोनों हेलीकॉप्टर यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को इकट्ठा ही फ्लाई करा दूंगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया आर्मी हेलीकॉप्टर के साथ? आर्मी हेलीकॉप्टर पहले क्रैश हो गई थी, उसके बाद नेवी वाली हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गई थी, पर देखो नेवी वाली हेलीकॉप्टर बिल्कुल स्टेबल से अभी भी हवा में फ्लाई कर रही है। इसका मतलब यह है कि नेवी हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा स्टेबल फ्लाई कर सकती है। क्लियरली स्टेबिलिटी के मामले में आर्मी हेलीकॉप्टर को हरा चुकी है अपनी नेवी वाली हेलीकॉप्टर। देखो ये दोनों ही हेलीकॉप्टर साइमा ब्रांड की है। ये रिमोट ये वाली साइमा हेलीकॉप्टर का, ये S555 इसका मॉडल नंबर है। अब इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, बाकी ये नेवी हेलीकॉप्टर का रिमोट जो है IR सेंसर पे काम करता है। अब देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन सा हेलीकॉप्टर सबसे स्टेबल फ्लाई करेगा। स्टार्ट हो चुकी है नेवी हेलीकॉप्टर, ये वाली हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले साइमा का जो हेलीकॉप्टर है ये काफी इजीली फ्लाई कर चुका है। तो गाइस यहाँ पे देखो रिमोट से मैं इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप ही फ्लाई कर रही है। बाकी अपनी जो नेवी वाली हेलीकॉप्टर है इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा है तब जाकर ये फ्लाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये हेलीकॉप्टर नेवी हेलीकॉप्टर से 2 गुना ज्यादा स्टेबल फ्लाई कर रही है। इसको तो यार एक छोटा बच्चा भी फ्लाई करा सकता है। अब ये दोनों हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई कराते हैं। ये 5,000 रुपीज वाली है, ये सिर्फ 2,000 रुपीज वाली है गाइस। अब इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, देखते हैं यार कौन सबसे अच्छे तरीके से फ्लाई करेगा। स्टार्ट। ओके गाइस दोनों ही यहाँ पे स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहे हैं। ओ भाई अपनी साइमा की हेलीकॉप्टर अभी क्रैश होते होते बच चुकी है। ओ भाई साहब साइमा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई थी, देखो ये वापस से उड़ने लगी है। ओ नो, ये तो मेरे ऊपर आकर क्रैश हो गई गाइस। बाकी ये सस्ती वाली हेलीकॉप्टर देखो अभी भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लाई कर रही है। रीजन मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये काफी ज्यादा भारी भरकम हेलीकॉप्टर है अपनी साइमा से भी, क्योंकि इसका जो फ्रेम है ये कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है। तो यहाँ पे ये वाली हेलीकॉप्टर जीत चुकी है। अब देखते हैं गाइस इसका कंपटीशन दूसरे हेलीकॉप्टर के साथ करा के गाइस देखते हैं कौन जीता है। ये 2,500 रुपीज वाली है, ये 2,000 रुपीज वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 और ये स्टार्ट हो चुकी है दोनों हेलीकॉप्टर। देखो गाइस ये 2,000 रुपीज वाली हेलीकॉप्टर पहले ऊपर फ्लाई कर रही है, इसको और थोड़ा सा ऊपर में लेके जाने वाला हूँ, ये देख लो भाई। ओह नो, ओ भाई ये क्या हो गया गाइस, देखो अपनी 2,000 रुपीज वाली हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर आकर क्रैश हो गई थी। बाकी ये जो हेलीकॉप्टर है अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल फ्लाई कर रही है। गाइस ये हेलीकॉप्टर हमारी 2,000 रुपीज वाली हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा भारी भरकम है, इसका भी जो फ्रेम है वो कम्प्लीटली मेटल का ही बना हुआ है। तो ये हेलीकॉप्टर बन चुकी है विनर, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, अब स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं ड्रोन वर्सेस अपनी ये वाली हेलीकॉप्टर के बीच में, देखते हैं गाइस इस बार कौन जीतता है। चलो स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 ये स्टार्ट। हेलीकॉप्टर पहले ऊपर उड़ चुकी है, ड्रोन नीचे ही फ्लाई कर रहा है गाइस। देखो ड्रोन ऊपर जाने के लिए पूरी ट्राई कर रहा है पर ये ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर की हवा से ये नीचे। ओहो बापरे, ये तो बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया इन दोनों के बीच में और दोनों ही यहाँ पर आकर क्रैश हो चुके हैं। इसका तो एक प्रोपेलर गाड़ी निकल के पता नहीं यार किधर जाके गिरा है। ये देखो गाइस इस तरीके से यहाँ पर आकर क्रैश हो चुकी है। बाकी दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है, दोनों ही भाई साहब बहुत ज्यादा स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहे थे। आज की वीडियो में आपको ड्रोन अच्छा लगा या फिर हेलीकॉप्टर अच्छी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है शिवराम, इब्राहिम, शफवान, माहीन, अमर, जितेंद्र, अरसलान, राजेश, तपन, अमर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो ये वाली वीडियो पे कर देना लाइक, नीचे कर देना कमेंट। बाय बाय।